अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई नो कि आप लोग के एफएससी के एग्ज़ाम से एक डेढ़ हफ्ता पहले कंप्लीट हुए हैं। अब आप लोगों ने एमडी कैट की तैयारी शुरू की। आप सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, जैसे कोई भी बच्चा स्पेशली जब वो एज अ फ्रेशर एमडी कैट फेज में एंटर होता है तो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि हम लोगों का टच पीएमसी क्या है, पीएमडीसी क्या है, कौन लेगी, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, एफएससी में आपकी तैयारी की स्ट्रेटजीज थोड़ी और होती हैं। एमडी कैट में आके क्योंकि आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है, आपका क्वेश्चन स्टाइल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजीज को ग्रूम और मॉडिफाई करने के बाद कुछ नई तरह से काम करना होता है। वो क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह से आपने काम करना है, अपने मार्क्स को किस तरह से आप बूस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइंस, और उसके अलावा कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक्स को यूज़ करना है, कौन सी प्रैक्टिस बुक्स को यूज़ करना है, किस तरह से टाइम टेबल मैनेज करना है, किस तरह से आपने अकेडमी जाना है नहीं जाना, ये सारी के सारी टिप्स मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि इस दफ़ा का टेस्ट आपका पीएमसी लेगी। मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज के अकॉर्डिंग 90% चांस है कि इस दफ़ा का टेस्ट पीएमसी लेगी। नेक्स्ट टाइम पीएमसी होती है, पीएमडीसी होती है, वी नेवर नो, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई चांस नहीं है। दूसरी बात आ जाती है कि आपके टेस्ट की डेट्स, तो आपका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा, टैबलेट्स पे होगा, और 7 सितंबर टू 30 सितंबर तक आपके टेस्ट होंगे। डिफरेंट बैच होगा, हर एक की डिफरेंट डेट्स होगी, और मोस्ट प्रॉबेबली जैसे लास्ट टाइम दो शिफ्ट्स में होता था, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, तो इसी तरह से आप लोगों का भी यही सीन होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और बाकी पीएमसी और पीएमडीसी की कन्फ्यूजन में टाइम वेस्ट ना करें, ऑलरेडी यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। सेकेंड थिंग इज़ कि आपने अकेडमी ज्वाइन करनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है, तो उसके बारे में पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अकेडमी वालों का एडमिशन होता है, वो अकेडमी जाते हैं, उनका नहीं होता। इस टाइम इवन हमारे बैच में भी 50-50 की रेशियो की होगी कि जिन लोगों ने अकेडमी के साथ एडमिशन सिक्योर किया, जिन्होंने अकेडमी के बगैर एडमिशन सिक्योर किया। बाकी रह गई दो बातें। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा ऑनलाइन सोर्स है, या फिर घर में कहीं और कुछ भी जो आपको गाइड कर रहा है, तो इट्स ओके, आपको गाइडेंस मिल रही है, कि आपके पास ऑलरेडी इतनी गाइडेंस है, आपको अकेडमी जाने की नहीं ज़रूरत हो, बेशक आप ना जाएँ, इट डजेंट मैटर। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आप अकेडमी जाते हैं तो उनका स्केड्यूल, स्पेशली अब लास्ट दो महीनों का, ये इतना टाइट होगा ऑलरेडी कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। आप अकेडमी के स्केड्यूल के साथ जितना मर्जी कोप अप करने की कोशिश करें, वो बहुत मुश्किल हो रहा होता है। वहाँ से भी आपकी कुछ चीज़ें ड्रॉप हो रही होती हैं जो आप एंड के लिए रखते जा रहे होते हो। और अगर आप ये सोचें कि मैं अकेडमी भी जाऊँगा और सेल्फ स्टडी भी करूँगा, या अकेडमी जाके कोई अपना स्केड्यूल फॉलो करूँगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। सो वो वाली अकेडमी चूज़ करें जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जिसको आप होल हार्टेडली फॉलो कर लेंगे। सो ये डिसीजन आपने ख़ुद लेना है, लेकिन बड़ा वाइजली लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपने तैयारी के लिए कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एमडी कैट में उन चीज़ों को फोकस किया जा रहा होता है जो यूजुअली आप स्किप कर देते हैं, जैसे छोटे छोटे टेबल्स होते हैं, साइड बॉक्सेस होते हैं, डायग्राम्स होती हैं, डायग्राम्स के नीचे जो टेक्स्ट दिया होता है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आप मिस कर रहे होता है, तो उनको लाजमी पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं उसके अंदर से। अब हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से डील करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम बायो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मोस्ट ऑफ अ मेमोराइजेशन बेस्ड सब्जेक्ट रादर देन अ कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको चीज़ों को मेमोराइज करना होता है समझ के बेशक, लेकिन इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफर कर रही हो, और वो चीज़ें जो है इनडायरेक्ट हो के बहुत ज़्यादा तरीक़ों से नहीं पूछी जा सक रही होती। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वही आपने याद करनी होती है। थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं बेशक, लेकिन मेजर पोर्शन नहीं होता। तो इस वजह से बायो की मोस्टली प्रेपरेशन मैटर करती है, ना कि प्रैक्टिस। इसलिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस की बात करें तो उसके लिए टिप्स और स्टेप्स अगर आप कर लें तो दिस इज मोर देन इनफ। लेकिन प्रेपरेशन के लिए आपको बुक्स बड़ा वाइजली चूज़ करनी होती हैं। प्रेपरेशन के लिए आई वुड से कि फेडरल की बुक इज़ अ मस्ट, लेकिन जो फेडरल के बच्चे हैं उनके लिए पंजाब की बुक इज़ अ मस्ट नहीं है। फ्रेशर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी के सारी बुक्स करें, लेकिन रिपीटर्स ने ऑब्वियसली की होंगी जो जो सा उनके पास टाइम था उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन फ्रेशर्स को यही एडवाइस है कि वो पंजाब और फेडरल दोनों लाजमी पढ़ें। उसके बाद अगर किसी के पास टाइम है तो अगर हम प्रायोरिटी वाइज बात करें तो वो पहले केपीके की बुक पढ़ ले और बाकी देख ले। अब जैसे पंजाब और फेडरल है तो उसमें पंजाब या फेडरल के बच्चों के लिए तो आसानी है कि एक बुक उन्हें ऑलरेडी आती होगी और एक पढ़नी पड़ेगी, और जो बाकी बोर्ड के बच्चे हैं ना वो भी इतना ज़्यादा
परेशान ना हो। अगर वो केपी के सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड में से हैं तो वो अपने साथ अपने बोर्ड की बुक पढ़ लें और फेडरल पढ़ लें, दिस इज़ अनफ। देन कम्स दिस थिंग कि आपने ये जो मेमोराइजेशन करनी है ये कैसे करनी है। तो उसके लिए आई हैव फ्यू ट्रिक्स, यू शुड ट्राई देम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट्स बनाएं। पॉइंट्स बनाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इट मेक्स रियली रियली ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। उसके अलावा अभी जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो ये नहीं होता कि आपने बुक खोली और एक सिरे से शुरू किया और आगे आप चलते गए चलते गए। आप जहाँ भी पढ़ रहे हों तो वहाँ पे ना आप हाईलाइट किया करें चीज़ों को। हाईलाइट एज मीन कि आपने एक प्रॉपर हाईलाइटर से ही करना। कुछ लोगों को कलर्स पसंद होते हैं, कुछ को नहीं पसंद होते, व्हाटएवर। आप सिंपल पेंसिल से भी उसको अंडरलाइन कर लो, कुछ भी कर लो, एटलीस्ट आपको पता हो कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ नहीं पढ़ी है, क्या आपको नहीं आती थी और क्या आप चीज़ें आपको पहले से आती थी जो आपने सिर्फ एक रीड दी है उनको। इस तरह की यह सॉर्टिंग आपके माइंड में होनी चाहिए चीज़ों को पढ़ते हुए। फिर उसके अलावा यू कैन ट्राई मेकिंग कॉन्सेप्ट शीट्स, और थर्ड पॉइंट इज़ यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग फ्लो चार्ट्स। उसके अलावा अगर नन ऑफ दीज इज़ वर्किंग, देन आई विल सजेस्ट यू कि स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू योर सेल्फ। जो भी उसमें आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा, इवन इफ इट्स अ सर्टन टॉपिक ऑफ फाइलम, तो एक फाइलम लें, उसके पॉइंट्स बनाएं। पॉइंट्स बनाने के बाद शीशे के सामने खड़े हों और ख़ुद को एक्सप्लेन करें कि इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऊंची आवाज़ में। तो जब वो आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो एक दफ़ा तो आप खुद को देख रहे हैं और साथ आप पढ़ रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू मेमोराइज इट। सेकेंड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, विच इज़ फिज़िक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं मैक्सिमम बच्चे। फॉर मी इट वॉज ईजी बिकॉज मुझे फिज़िक्स बहुत पसंद थी। बट अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देनी हो फिज़िक्स के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज़ मोर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन। इसमें बहुत थोड़ी मेमोराइजेशन है। इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू इफ़ यू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। जोन सी भी अकेडमी जा रहे हैं, जहाँ से भी ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, प्लीज़ 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 पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ ने सही से कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें, यही वो चीज़ है जो आपके काम आएगी। न्यूमेरिकल्स जो है पिछले साल बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन इस साल वी नेवर नो कि आएंगे, कितनी प्रोपोर्शन होगी कितनी नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन आप उसको ईजिली कर लेते हैं। वैल्यूज़ इसी तरह की होती हैं, कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, लाइक अप्रॉक्सीमेशन, राउंडिंग ऑफ, या फिर कुछ अंडर रूट्स आपको याद करने होते हैं। स्पेशली आप 20 तक जो है वो याद कर लो, 20 तक के स्केयर्स याद कर लो। उसके अलावा 1.5, 1.25 इनके स्केयर रूट्स और स्केयर की वैल्यू आपको आनी चाहिए। इसी तरह पॉइंट्स में, पावर्स में, पावर्स के क्या रूल्स होते हैं, ऐड कब होती हैं, डिवाइड कब होती हैं, ऊपर हो नीचे हो, किस तरह से डील करना है, ये वाली चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो कैलकुलेशंस आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर आ जाती है बात कि आपने बुक कौन सी फॉलो करनी है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, मेमोराइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा रट्टे नहीं मारने पड़ते, तो इसलिए अगर आप सिर्फ पंजाब बोर्ड की बुक भी पढ़ लेना एज अ फ्रेशर, इट्स अनफ। अगर पंजाब का कोई बच्चा देख रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, तो बेशक वो फिर फेडरल को पढ़ ले जो कि केपीके बोर्ड की बुक है। उसमें वैसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, शायद एक दो बातें होंगी, स्पेशली फिज़िक्स वाला चैप्टर है चैप्टर 20, उसके अंदर कुछ बातें हैं वरना नहीं है। फिर आ जाती है बात कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा करनी है, जितनी आप कर सकते हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी भी आप कर सकें। मैक्सिमम प्रैक्टिस मींस कि आप स्टेप्स और किप्स तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि जोन सी भी अकेडमी के बुक है, चाहे कोई और बुक है, लाइक ग्रिप की कुछ लोग कह रहे होते हैं, इसी तरह टॉर्शिया की बुक है, स्टार्स की बुक है, और वट एवर जो भी है, आप उसको प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। फिज़िक्स को पढ़ने का ये तरीका है कि जैसे ही आपने बुक खोली और आपने उसको पढ़ना शुरू किया, तो उसके अंदर आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, तो उसके तो मेरे ख्याल से आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन चीज़ों को नोट्स में ना भी लिखो ना, तो पूरे चैप्टर में हार्डली कोई 7-8 लाइन्स ऐसी होती हैं जो आपने मेमोराइज़ करनी होती हैं और आपने ऑलरेडी नहीं की होती, तो आराम से आप सिर्फ और सिर्फ उन 7-8 लाइन्स को हाईलाइट कर लो या फिर नोट्स में लिख लो, व्हाटएवर। लेकिन आपने फिज़िक्स की बुक बार बार नहीं पढ़नी। बायो में ये था कि आप फिर भी बार बार पढ़ सकते हो अगर आपको लगता है कि वो आपको नहीं याद हो रही, या कोई और तरीका यूज़ करो। लेकिन इसमें क्या है कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, और दूसरी बात क्या है कि आपने इसमें बुक पढ़ने पर टाइम ज़ाया नहीं करना। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ही बैलेंस्ड रेशियो है कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मेमोराइजेशन की।
ना ही तो फिज़िक्स की तरह ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं और ना ही बायो की तरह ज़्यादा मेमोराइजेशन है, बहुत ही सेटल्ड वे में दोनों चीज़ें आ रही होती हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो उसके अंदर आपको पूरे पूरे मैकेनिज्म्स नहीं याद करने होते, इवन किसी भी सब्जेक्ट में आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन चीज़ों को नहीं देखना, एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन और वन टू वन क्वेश्चन देखना है कि सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको रिएक्शन कंडीशंस का बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है, भीड़ टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। इसी तरह आपको या तो रिएक्टेंट्स दिए होंगे और प्रोडक्ट्स पूछा होगा, या प्रोडक्ट्स दिए होंगे और रिएक्टेंट्स पूछे होंगे, ऑब्वियसली रिएक्शन कंडीशंस भी दिए होंगे जिसकी वजह से आप इंटरप्रेट कर सकेंगे कि क्या बन रहा है। उसके अलावा ये होता है कि अगर कोई पूरा मैकेनिज्म है तो उसके अंदर कोई ख़ास उसका नेम है, कोई ख़ास चीज़ यूज़ हो रही है, कोई ख़ास प्रोसेस है, या कुछ OH रिमूव हो रहा है, OH ऐड हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है वो वाला पॉइंट वो पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में, तो वो पूछ लेंगे। लेकिन उसके अलावा ऐसा होल पूरा मैकेनिज्म कभी भी नहीं आता, आ ही नहीं सकता। उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की, उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्ट्रक्चर्स की बात आ जाती है। स्ट्रक्चर्स 2021 में तो नहीं आए, लेकिन इससे पहले आते रहे 2021 में, क्योंकि टेप्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और अब वो ख़त्म हो गया, तो वी कैन होप कि इस दफ़ा दोबारा स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो नेमिंग भी आपको करनी पड़ेगी। फिर आ जाती है बात हमारे पास इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपने वो चीज़ें तो करनी ही करनी है जो सबको आती हैं, लेकिन आपने वो चीज़ें तो लाजमी करनी है जो सबको नहीं आती। लाइक अगर आपने ट्रेंड्स करने हैं तो ट्रेंड्स के अंदर से एक्सेप्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द ट्रेंड इटसेल्फ, सही है? तो इसी तरह से आपने ऑड्स पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल थिंग। और वो वाले कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी मेन हेडिंग नहीं होती, बट वो अंदर जाके कुछ टर्म्स कुछ डेफिनेशंस होती हैं, तो उनको भी आपने प्राइमरीली फोकस करना है। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं स्पेशली ऑर्गेनिक आपको भूल रही होती है साथ साथ ना, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप चार्ट बना लें, जैसा कि मैंने भी बनाया था। मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगी, तो आई गेस हो कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। बाकी बार बार पढ़ें, ऑर्गेनिक भूल रही होती है, बार बार रिएक्शंस को पढ़ो, बार बार बुक बंद करके देखो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो आपको चीज़ें मेमोराइज होना शुरू हो जाती हैं। इट्स नो प्रॉब्लम कि अगर आपको पहले नहीं हो रहा, एक दफ़ा नहीं हो रहा, दो दफ़ा नहीं हो रहा, तो इट्स ओके, बार बार कोशिश करें, हो जाएगा। ओके, हमारा फोर्थ सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए दो बातें बोलूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि इसके लिए कोई भी किसी भी बोर्ड की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ग्रामर के लिए आप कोई भी सोर्स यूज़ करें, अगर आप फिज़िकली एकेडमी जा रहे हैं, ऑनलाइन एकेडमी ले रहे हैं, जो भी आप अगर कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो उसका लेक्चर ले लें, अगर आप ऑनलाइन किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं बीट यूट्यूब और एनीथिंग एल्स, वहाँ से लेक्चर ले रहे हैं वहाँ से ले लें, लेकिन कहीं से लेक्चर ज़रूर लें। उसके बाद ये चेक करें कि अगर उस लेक्चर के अंदर किप्स की प्रेप बुक या फिर सर सलमान अल वहीद की जो केमिकल ग्रामर बुक है उसके सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो लेक्चर बेस्ट है, आप उसी को कवर करें। और इन केस कि इन दोनों बुक्स में या इनमें से कोई भी एक बुक जो आप यूज़ कर लें, इन दोनों में से कोई भी एक बुक यूज़ कर लें, उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट रह जाता है जो कि आपके लेक्चर में नहीं था, तो उस पॉइंट को डेफिनेटली याद कर लें, समझ लें, अपने टीचर से समझ लें, ऑनलाइन समझ लें, जैसे भी करना है, पर उस पॉइंट को आपने लाजमी करना है। दूसरी बात आ जाती है वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी 2021 में तो बहुत बेसिक आई थी कि इवन कि किसी भी जनरल FSC या मैट्रिक लेवल के बच्चे को भी आती होगी, कुछ स्पेलिंग्स भी आए हुए थे बहुत बेसिक बेसिक। लेकिन अब क्योंकि टेप्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस दफ़ा वोकैबुलरी थोड़ी ज़्यादा आ जाए, लेकिन वोकैबुलरी की ओवरऑल रेशो भी 4-5 मैक्सिमम 5-5, तो बहुत ज़्यादा वैसे 3-4 वर्ड्स ही होते हैं। वोकैबुलरी पे टाइम वेस्ट नहीं करना, वोकैबुलरी करनी है, लेकिन कैसे? जिस भी एकेडमी के नोट्स आप ले रहे हो, एकेडमी में क्या स्टेप्स और किप्स ही के वोकैबुलरी की बुक होती है, किप्स की और स्टेप्स के वर्ड्स होते हैं, 500 वर्ड्स की थी लास्ट टाइम, एंड आई होप सो इस दफ़ा भी इतने की होगी। वो वाले जो है वो आप ले लें और उनको डेली 10 वर्ड्स कर लो, 15 वर्ड्स कर लो, 20 वर्ड्स कर लो, जितने भी आप अपना टाइम रखो, आधा घंटा, आधा घंटा आपने वोकैबुलरी को देना है। वो वाला टाइम यूटिलाइज करो जो कि यूजुअली आपका वेस्ट हो रहा होता है, चाहे वो आपका अकेडमी जाते हुए, अकेडमी से आते हुए, ब्रेक में, या कोई और ऐसा दिन का हिस्सा है जिसमें आप पढ़ना चाह रहे होते पर पढ़ नहीं पा रहे होते ना, तो ये बेशक सोने से पहले कर लो, उस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। मतलब वो टाइम वेस्टेज वाले टाइम को
प्रोडक्टिव बनाना इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर यूजफुल टाइम ऑन इट। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी और आपकी वोकैबुलरी भी कवर हो जाएगी। इसके अलावा वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और वेरी लास्ट सब्जेक्ट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अब बहुत कम MCQs हैं, सिर्फ 6, लास्ट टाइम फिर भी 10 थे। अब जब सिर्फ 6 MCQs हैं तो 6 ही टॉपिक्स हैं जो कि PMC की तरफ से दिए गए हैं। वो सारी अकेडमीज़ में कवर हो रहे होते हैं, बट जो मोस्टली मैंने देखी थी वो गिब्स की बुक थी और MDCAT के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के जो स्टेप्स के लेक्चर्स थे वो 18 थे, और उसी तरह उनकी वर्कबुक के अंदर भी 18 ही उसकी वर्कशीट्स थी, उसके अलावा कुछ टेस्ट थे। देर आर मोर देन एनफ। तो आई वुड से कि अगर आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी कर रहे हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। आपको लॉजिकल रीजनिंग को हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, 2 दिन पूरे भी नहीं, मतलब ये कि 2 दिन के अंदर कुछ टाइम उसको दे दें, इट्स अनफ। उसके अलावा अगर आपकी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है तो भी वो हो जाता है। मैथ्स में मसला होता है तो थोड़ा बहुत उसको देख लें, ज़्यादा टाइम दे दें, वरना आपको बाकी चीज़ों को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर 6 टॉपिक्स है ना, तो हर हफ्ते में आपने देखना है कि एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लें, और मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसके लिए अरिथमेटिक का जो है वो आपने 2 वीक्स में कवर कर लेना। इट्स ओके, इट्स मोर देन एनफ। आई गेस इससे ज़्यादा आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। वो ड्रीम जो आपने इतने अरसे से देखा, जिसके लिए इतनी मेहनत की, अब फाइनली उसको कर गुजरने का टाइम आया। FSC बहुत डिफरेंट थी MDCAT से। अब जब आप नया फेज शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। कभी आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है, तो फिर आप गाइडेंस लेते हैं। आपके पास कोई भी सीनियर है, बेशक वो फैमिली में है या फिर कॉलेज में या फिर ऑनलाइन कोई है, जैसे भी, या कोई आपके टीचर है, व्हाटएवर, जहाँ से भी आपको लगता है कि आपको बेस्ट गाइडेंस मिल सकती है, जहाँ से भी आप सेटिस्फाई होते हो, आप उनसे हेल्प लो, उनसे बात करो। अगर आप अकेले में रहोगे ना और सोचते रहोगे तो ये नेगेटिव थॉट्स आपको एम्पावर करने की बजाय आपकी सारी के सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज़ को वाइप आउट करती रहती हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि जब भी आपको ऐसी थॉट्स आएँ कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप हेल्प लें लोगों से। या फिर ऐसा होता है कि आप अपनी मिस्टेक से परेशान हो रहे होते हो, ऑब्वियसली ये एक नई चीज़ है, आप गलतियां करोगे। कभी कभार आप MCQs गलत कर रहे होते हो, कभी कभार आप अपना टाइम टेबल सही से नहीं बना रहे होते, जिसकी वजह से आपका उठने का, सोने का, जागने का टाइम डिस्टर्ब हो रहा होता, आप परेशान हो रहे होते हो। गलतियाँ ऑब्वियसली सबसे होंगी, किसी से ज़्यादा होंगी, किसी से कम होंगी। अगर आपसे ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ़ योर ड्रीम्स, इसका मतलब ये है कि यू कैन वर्क ऑन देम बट यू नीड सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। तो आप अपना वीक एरिया ढूंढो कि ये वाला मेरा वीक एरिया, मुझे इस पर काम करना है, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, और जो भी चीज़ है जिसके ऊपर मैं गलत कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ बच्चे जो है ना, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो रहे होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज। उसके अंदर आप लोग परेशान हो रहे होते हो कि हम नींद कितनी रखें, हम 4 घंटे सोएं, हम 5 घंटे सोएं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, कोई और आपको बताए। आपको अपनी स्लीप का स्केड्यूल इतना ज़रूर रखना है कि जब आप वापस उठो तो आप इतने फ्रेश हो कि आप पढ़ सको। वो अब आपके लिए जितना भी है वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। आई एम नो वन टू गाइड यू। चाहे आप दिन में सो रहे हो, रात में सो रहे हो, आप हाफ हाफ करके सो रहे हो, पार्ट्स में सो रहे हो, जैसे भी आपको बेहतर लगता है, लेकिन इतना ज़रूर सो कि आप बाद में फ्रेश हो। अगर आप बेशक 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सोने के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर लो तो यू कैन कंपेंसेट फॉर इट। इसी तरह सोशल मीडिया की बात आती है। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना इज़ अ रॉन्ग थिंग, नो वन विल अप्रिशिएट इट। लेकिन एक बात आती है कि सोशल मीडिया को बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं करना होता। ऑब्वियसली PMC है, PMDC है, जो भी है, वैसे तो इस दफ़ा टेस्ट PMC ही ले रही है, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही होती हैं सिस्टम में, या कुछ बच्चे टेस्ट दे के आ रहे हैं, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या उसके अलावा देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि आपको दिन में कुछ टाइम सोशल मीडिया को देना चाहिए, आपको न्यूज़ सुननी चाहिए, आपको पता हो एटलीस्ट आपके आसपास हो क्या रहा है। और ऑब्वियसली आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करना भी ज़रूरी होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो करना ज़रूरी होता है, तो आप उनको बिल्कुल ही कट ऑफ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू गो फॉर। बाकी जो भी अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? मेहनत, कोशिश और दुआ।
एक मेहनत होती है अनेवा मेहनत करना कि आप बस किताबें पढ़ते रहो, लेकिन अगर आप किताबें भी तरीके और सलीके से उस तरह से पढ़ रहे हो जिस तरह पढ़ के आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, साथ साथ आप अल्लाह ताला के साथ भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रख रहे हो, उससे मांग रहे हो, उसको बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मैंने इतनी मेहनत कर ली है, या अल्लाह मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, अब आप पे है, आप मुझे अता कर दे जो मैं चाहता हूँ, वो किसी को मायूस नहीं करता, किसी के लिए कुछ बेहतर है और किसी के लिए कुछ बेहतर है, लेकिन वो इंसान को वही कुछ अता करता है जो उसके लिए बेहतर है। अगर ये आपके लिए बेहतर हुआ तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर ज़रूर अता करेगा, और हो सकता है कि अभी बेहतर है, थोड़ी देर बाद बेहतर है, ये वो जानता है, उसको पता है कि किसकी गलती किस टाइम ठीक करनी है और किसकी गलती किस टाइम ठीक करनी है, तो वो आपको सारी चीज़ें अपने मुकर्रर वक्त पर अता कर देगा। आप सिर्फ़ मेहनत करें, दुआ करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।